अब मुझे पता चला है कि तवाफ के बाद दो रकात वाजिब है, नफिल नहीं, लेकिन मैं नफिल समझ के पढ़ता रहा। पढ़ते तो रहे ना, अल्लाह कबूल फरमाए। मैंने सफा मरवा दौड़ लिया, हल करने के लिए जा रहा था कि थोड़ी देर के लिए सर पे कपड़ा रख लिया, कुछ भी नहीं होता। मदीने से मक्का आते हुए, मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा आते हुए रास्ते में अहराम बांधा, मैंने खजूर के दर से कुछ खजूर तोड़ ली, कोई हर्ज नहीं। वॉशरूम में अहराम की दोनों चादरें उतार ली जाएं, कोई बात नहीं। वो डरते हैं कि पलीद ना हो जाए। औरतें मकाम पर भी मस्जिद में नमाज पढ़ सकती हैं, पढ़ सकती हैं, लेकिन घर पढ़ें तो अफजल है। अजान के बाद दुआ जो है हाथ उठा के मांगने की कोई जरूरत नहीं, दुआ है, हुजूर ने खुद सिखाई है कि दरूद शरीफ पढ़ें, उसके बाद ये दुआ मांगें, अल्लाहुम्म रब्ब हाज़िहि दावति तामा والصلاه القائمه آت محمد الوصيه والفضيله والسقام محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد। रफ़ा यदैन करें तो जायज़ है, ना करें तब भी कोई बात नहीं, ना फ़र्ज़ है ना वाजिब है। हमारी फ्लाइट मिस हो गई है, बस अल्लाह आपकी मुश्किलें हल करे। अगर कोई इमाम बुरे काम करे उसके पीछे नमाज न पढ़ा करे। एक बच्चे की उम्र 15 साल है, माँ उसकी साथ आ सकती है, 15 साल का बच्चा जवान है, बालिग है, वो अपनी माँ का महरम है। पता नहीं क्या लिखा है आपने कि पढ़ने से नमाज होती है, क्या पढ़ने से? आपने मेरी घरवाली की वफ़ात पे अफसोस किया, अल्लाह आपकी सदाए खैर दे। मुझे पहली बीवी कहती है कि तुम अगर दूसरी शादी करो तो मुझे छोड़ दो, वो कहती है ना तुम तो नहीं छोड़ते, ना छोड़ूंगा। मुझे जोड़ों का दर्द है, बाहर मुझे भी खुद तकलीफ है, अल्लाह शिफा अता फरमाए। रोगन बिलसान दुकानों पे मिलेगा। हमारे घर में दो दिन से मुतवातिर बच्चियों के कपड़े सुबह को फटे होते हैं, उसका ऊँट जला हुआ था। बहरहाल ये कोई शैतानी असरात है। सूरत बकरा पढ़ के पानी में घर में डालो, दम करो। मैंने इरादा किया था कि मस्जिद आयशा से उमरा करूंगी, लेकिन हैज आ गया, कोई बात नहीं, किया नहीं किया। जो भी फौत हो गए अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। तवाफ के दौरान औरतें मुंह ढांप सकती हैं, उम्रे में नहीं। बहरहाल बहुत सारे उलमा अंबिया के वसीले के कायल हैं, वो कहते हैं अंबिया जब हयात हैं तो हयात का वसीला जायज़ है, लेकिन एहतियात इसी में है कि सीधी अल्लाह से दुआ मांगो। बाद हज़रात कहते हैं कि हज़रत ईसा इस्लाम हनफी होंगे, हज़रत ईसा खुद नबी हैं, उसको क्या ज़रूरत है किसी तकलीफ की, वो तो खुद रसूल हैं। ये लोग समझते नहीं, एतराज़ करते। इस वक्त दुनिया में फ़िका हनफी है, पूरी दुनिया में। जब ईसा इस्लाम तशरीफ लाएंगे उस वक्त भी सिर्फ फ़िका हनफी होगी और कोई फ़िका नहीं होगी, तो उसके मुताबिक हज़रत फैसले फरमाएंगे। ये थोड़ा ही हनफी होंगे। बिल्कुल जिहाद फ़र्ज़ ऐन है उन पर जो काफिर जिन पे मुल्क पर चढ़ाई करें। दौरान तवाफ वज़ू टूट जाए, अगर तीन चक्कर से कम है, एक दो है, फिर इब्तदा से करो। तीन चक्कर पूरे हो गए तो फिर इंशाअल्लाह वहीं से कर लो।
मैंने नहीं पढ़ी कि 50 तवाफ करो तो क्या फजीलत है। अगर तमत्तो वाला शव्वाल में एक के बजाय 2-3 उम्रे कर ले कोई हर्ज नहीं, जायज़ है। अगर मस्जिद आयशा दे इहराम बांध के आए, मोजे ना पहने, मोजे पहनना जायज़ नहीं है इहराम में, खुली हुई चप्पल पहन सकते हैं। मता में एक सुतून है बरामदे में जिस पे हजरत उमर का नाम लिखा हुआ है, अल्लाह वाला, वहीं जो अरब खड़े होते हैं उनसे पूछे। आप जमजम खड़ा होके पिए तो जायज है, बैठ के पिए तो जायज है। मित्र में अगर दुआए कनूत भूल जाए तो हनफी मसलक में सीधे हिसाब है, और सीधे हिसाब भी न करे तो दोबारा पढ़े। औरतें ज़मीन से मिल के सीधा करें, जितना पर्दा होगा सवाब ज़्यादा होगा। एक एक्सीडेंट में मरीज को लेके आए, मरीज दर्द की वजह से शदीद तकलीफ में थे, गाड़ी वाले को गालियां दे रहे थे, गालियां देते बेचारा बेहोश हुआ। बारह कोई इंसान है, उसके अंदर तो कलमा है ना, मोमिन है वो। जिंदा भाई के लिए दुआ करें तवाफ के बजाय। जुमा के दिन इंशाअल्लाह दर्स होता है, जुमा रात को नहीं होता। अगर उम्र हज में आए तो वापसी पे शॉपिंग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर एहराम में शिद्दत गर्मी है गुसल कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन खुशबू वाला साबुन ना हो। मैंने रश की वजह से शैतान को कनगे हमारी उन तक नहीं पहुंची। बहरहाल अब तो याद कर रहे हो कि नहीं पहुंची, तो दोबारा जाकर रश के बाद मार देते, नहीं मारी तो दम पड़ गई। कजा जैसे नमाजें पढ़ते इसी तरह पढ़ते रहो हर नमाज के साथ। मदीने से आया एहराम नहीं बांधा, मस्जिद ऐसे एहराम बांध के उमरा किया तो दम पड़ गई। दौरान एहराम टिश्यू पेपर पकड़े, उससे दम नहीं पड़ती, लेकिन जो आपने मीकात का उमरा छोड़ा उस पर दम पड़ गई। जो नमाजें छूट गई हैं हर नमाज के साथ नियत करके पढ़ते रहो। अब मुसल्ले नहीं है, पहले दौर में मुसल्ले बने हुए थे, अब जो हरम बढ़ाया गया तो टूट गए। अगर हरम में जमात से रह जाए, बिल्डिंग में जमात करें, इंशाअल्लाह 1,00,000 तो मिलेगा। अगर एहराम मुकम्मल होने के बाद कैंची से टक लगवाए तो दम पड़ जाता है। सबील के नाम से जो बाहर खाना मिलता है, अगर अमीर हो तो ना खाओ और गरीब हो तो खा लो। बरेलवी मस्जिद नबी में नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह ने उनको महरूम किया है तो तुम क्या कर सकते हो। ये सजा है ना शिर्क की, कि मक्के मदीने आने के बाद भी जमात नसीब